Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज ही और अभी का अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने पूरे ज़ीरो से बहुत सारे अभी तक वीडियो डाले हुए हैं, बेसिक से लेकर अभी एडवांस कोर्स भी ख़त्म हो चुका है और एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स अभी चल रहा है। अगर आप इंग्लिश आपकी बहुत कमज़ोर है तो आप शुरू से जाकर, बिल्कुल ज़ीरो से जाकर हमारे वीडियो देखिए और रेगुलर देखिए, आप ज़रूर इंग्लिश सीख जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, हैबिट, अबाउट हैबिट, हैबिट से संबंधित सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, मैंने आपको बेसिक में इस पर एक बार एक वीडियो बनाया था मैंने, लेकिन मैंने उसमें जो पढ़ाया था वो थोड़ा ही था, उसमें और भी कुछ आगे भी बहुत कुछ है तो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो। यस प्लीज, इज मुंबई मेल रनिंग ऑन राइट टाइम? आई हॉट सो। व्हेन आई गॉट डाउन फ्रॉम द टैक्सी आउटसाइड द स्टेशन, द पोर्टर टोल्ड मी दैट इट वॉज रनिंग ऑन टाइम। Quite fortunate for us, considering the irregularity of trains nowadays. Let's hope the train comes on right time. I have to reach Mumbai till dawn morning. So you are going to Mumbai? I am travelling only up to Nasik. Oh, I see. Do you live at Nasik? Yes, sir. I am practicing in district court there, and I am Surekha. May I know your good name, please? Thank you very much, Surekha. I am Deva Singh, doing my independent business in Mumbai. I am very glad to make your acquaintance. So let's go to the platform number 7. Train will come there. Of course. Let's go. Let's go. Come. Friends, habit means बहुत सारे sentences होते हैं जो किसी की आदत को दर्शाता है, दिखाता है कि उसे आदत है इस चीज़ की। जैसे अगर बोलेंगे कि उसे भीख मांगने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह 7 बजे रोज स्नान करता है, वह रात को 8 बजे खाना खाता है, तो ये 7 बजे स्नान करता है, 8 बजे रात को रोज खाना खाता है, तो ये जो है उसकी आदत में शामिल है। तो इस तरह के सेंटेंसेज आदत को दिखलाते हैं। कई तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि मुझे धुएं की आदत हो गई है, या मैं धुएं का आदि हो गया हूँ, वे लोग धूल के अभ्यस्त हो गए हैं, इस तरह की सब आदत दर्शाती है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं इस तरह से, जैसे वो रोज़ शनिवार को सिनेमा देखने जाया करता था, या हर शनिवार को सिनेमा देखने जाया करता था, वह हर संडे को मेरे घर आया करता था, या हम लोग एक साथ स्कूल जाया करते थे। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आदत को दर्शाती है। तो हम इन सारे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं आज वही सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको बेसिक में वीडियो बनाकर डाला था, इस तरह के सेंटेंसेस को बताया था मैंने आपको। उसे भीख मांगने की आदत है, तो ही इज इन हैबिट ऑफ बेगिंग। सिंपल है, मैंने बताया था, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको याद ताज़ा होने के लिए। दूसरा तरीका बताया था, He has habit of begging. और तीसरा तरीका बताया था, He is habitual of begging. ये 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हुए इसमें कुछ नया सीखेंगे कि जैसे मैं धूल का आदि हो चुका हूं। मिस बोलते ना, मुझे धूल की आदत हो गई है यार, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, धूल की आदत हो गई है, तो मैं धूल का आदि हो चुका हूं। तो आई एम यूज्ड
टू डस्ट. आई एम यूज्ड टू डस्ट. या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा कि आई एम अक्यूज्ड टू डस्ट. या तो हम पहला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे किसी को किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो उसके लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इस तरह की. उसे आदत है इस चीज़ की तो इस तरह का, और कोई किसी चीज़ का आदि हो गया है तो इस तरह का हम सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में. ठीक है फ्रेंड्स, तभी हम आगे बढ़ते हैं. तो ये मैंने सेंटेंसेस लिख के रखे हुए कि वह 7 बजे स्नान करता है. हालांकि ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, आप बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं. बट इस तरह की अगर बातें बोली जाए तो वो भी एक किसी की आदत को दर्शाता है. इसके लिए हम इसको आदत हैबिट वाले सेंटेंस में शामिल किए हैं और इसको हम बनाएंगे ही हैज बाथ एट 7 o'clock. ही हैज बाथ एट 7 o'clock. आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ही हैज़ क्यों लिखा मैंने, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो ही टेक्स बाथ एट 7 o'clock, ऐसा हम बोल सकते हैं. बट यहाँ पर आदत दर्शा रहा है, इसलिए हैज़ यहाँ पे एज अ वर्ब क्रिया के रूप में इस्तेमाल हुआ है. जैसे हम टेक का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से हम टेक की जगह पर हैज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, हैज़ और हैव का भी. जैसे हम बोलते हैं क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ या क्या मैं आपकी पेन लूँ, तो मे आई टेक योर पेन की जगह पर हम मे आई हैव योर पेन प्लीज़ ऐसा भी बोलते हैं. मे आई हैव योर बुक प्लीज़, मे आई हैव योर सीट प्लीज़, मे आई हैव योर 10 मिनट्स प्लीज़. तो वहाँ पर टेक की जगह जो टेक का ही जो मतलब होता है वही हैज या हैव का भी मतलब होता है, उसका भी मतलब लेना करना. वर्ब के रूप में भी हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ फार्मूला में ही लागू नहीं है कि ही के साथ हैज़ लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वहीं पे हैज़ लगाएंगे, या मेरे पास बुक है तो आई हैव बुक, खाली वहीं पर हैव और हैज़ लगाएंगे. हैव और हैज़ का इस्तेमाल हम एज अ वर्ब भी कर सकते हैं और करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो वही समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल किया कि ही हैज़ बाथ एट 7 o'clock. वह हमेशा भन बनाती रहती है, तो वह हमेशा भन बनाती रहती है, वह हमेशा गीत गाता रहता है. मीन्स इस तरह का जब सेंटेंसेज आता है तो किसी की आदत को दर्शाता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे कि सी इज ऑलवेज मरमरिंग. मरमरिंग मीन्स भन भनाना होता है, बोलते क्या भन भना रहा है यार, ऐसा भन भनाते हैं ना, मतलब बीस कुछ भी वहाँ टूटे कुछ भी करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो उसको भन बनाना बोलते हैं. काफ़ी सारे लोगों को भन बनाना का मतलब भी समझ में नहीं आता होगा, तो भन बनाना का मतलब यही होता है कि कुछ भी कुछ भी करता रहता है, बोलता ही रहता है. ठीक है, तो वो भन बनाना होता है, मतलब किसी को परेशान करता है, भन बनाता है मतलब बोलता रहता है. सी इज ऑलवेज मरमरिंग. वो बराबर सिर खुजलाता रहता है, तो ही इज कॉन्स्टेंटली स्क्रैचिंग हेड. तो इस तरह के सेंटेंस में कॉन्स्टेंटली भी लगा सकते हैं हम, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, इस तरह का जो भी मतलब हमेशा जारी रहने की चीज़ होती है उसमें हम कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज या फ्रिक्वेंटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज़्यादातर होता रहता है. ठीक है, तो अब बराबर सिर खुजलाता रहता है, तो ही इज कॉन्स्टेंटली स्क्रैचिंग हेड. ठीक है फ्रेंड्स, वह बराबर गाता रहता है, तो ही इज ऑलवेज सिंगिंग, या ही इज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग, लगातार गाता ही रहता है. मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरह से बनाएंगे, ये सब किसी की हैबिट यानी आदत को दर्शाता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आदत को दर्शाने वाली और भी बहुत सारी सेंटेंसेस है जिसको एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता है. इसके लिए हम और भी एक वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सेंटेंसेस को देखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, अब तक के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा आज का क्लास, कि हैबिट वाले सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये जानकर. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.